क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देन a बाय c, b बाय a एंड c बाय b आर इन, मतलब ap gp hp में पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो आपसे हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन में क्या बोला गया ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल मींस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अब एक चीज समझिएगा थोड़ी लॉजिकली कि ये जैसे आपने लिखा तो ये कहलाती है कंडीशन, बस कंडीशन बन गई सही तो आंसर सही हो गया। अब आपको ये पता है कि ये सम ऑफ रूट्स है और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। अच्छा क्या होता है, आप लोग जहां जहां स्टेप बचा सकते हैं कोशिश करा करें बचाएं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिखता हूं, आप लोग ये स्टेप बचाने की कोशिश करा करें, का होल स्क्वायर माइनस ऑफ टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स है माइनस बी बाय ए, यहां पर बी माइनस बी बाय ए यानी बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस टू सी बाय ए अपॉन सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, राइट। एक तरह से अगर हम देखें बस, अब इसको सॉल्व करके हमें अरेंज करना, तो एक तरह से हम देखें तो ए स्क्वायर कैंसिल होना ही है, ओके। बट कैंसिल होने के पहले देखिए क्या क्या आएगा, यहां पर माइनस बी बाय ए, ये हुआ बी स्क्वायर माइनस टू ए सी अपॉन ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो एक तरह से बचा अपॉन सी स्क्वायर, तो आपको रिजल्ट ऐसा कुछ मिल गया कि माइनस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस टू ए स्क्वायर सी, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि टू ए स्क्वायर सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए बी सी सभी में आ रहा है तो क्यों ना हम ए बी सी का ही डिवाइड कर दें, तो अगर मैं इसमें ए बी सी का डिवाइड करूंगा तो देखिए टू ए बाय क्या बचेगा बी इक्वल टू एबीसी का डिवाइड हुआ तो बी एक कैंसिल हो जाएगा नीचे ऊपर का एक ए कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा बी बाय सी प्लस सी बाय ए। ये रिजल्ट क्या बताता है कि आप बोल सकते हो ए बाय मतलब बी बाय सी, ध्यान देना बी बाय सी ए बाय बी और सी बाय ए आर इन एपी। अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे थोड़ा सा उससे उल्टा पूछा हुआ है ना, आपको ऐसा बोला है तो सी बाय बी बी बाय ए और ए बाय सी, देखिएगा ए बाय सी बी बाय ए और सी बाय बी ये पूछा, तो ये अपने आप ही क्या हो गया, देखो ये एचपी में तो ये अपने आप ही सॉरी ये एपी में है तो ये अपने आप ही एचपी में हो गया। तो आपसे ये रिजल्ट पूछा था तो आंसर इज एचपी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन था, बस ध्यान से करिएगा जल्दी होगा। कई बार आप सोचोगे कि वैल्यू लेके कर लें, बल्कि वैल्यू लेके करने में हो सकता है इसमें टाइम लग जाए, मेथड से जल्दी होगा।